यूपी में उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जहां लगातार मीटिंग कर लोकसभा चुनाव के डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो वहीं एसपी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं। गठबंधन के पीडीएफ फॉर्मूले से निपटने के लिए बीजेपी अब दलितों को साधने में जुटी है और इसके लिए नई रणनीति भी बनाई गई है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी में कम सीटें आने की समीक्षा के साथ उपचुनाव की 10 सीटों की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित मंत्री और नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश में दलितों को एक बार फिर कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। इसको लेकर एक पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया जा सके और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलितों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दलित वोट बैंक से पकड़ ढीली हुई है। ऐसे में बीजेपी दोबारा दलितों को साधने की कवायद में जुटी है। यूपी में कम सीटें आने की वजह पर मंथन, बीएल संतोष ने दलित नेताओं से लिया फीडबैक। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के एजेंडे पर बनी रणनीति, दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दलित मंत्रियों नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा, सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कार्यबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कार्यबिंदु पर काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं है, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। अखिलेश ने अपने उपचुनाव के लिए सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीएफ फार्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। एसपी इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार बाई इलेक्शन को लेकर बैठकें कर रही। कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिन जगहों पर बाई इलेक्शन है उन जिले के नेताओं को, संगठन के लोगों को बुला के वार्ता की गई। जल्द ही समाजवादी पार्टी इन जगहों पर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फार्मूले से एसपी ने 37 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही एसपी देश की राजनीति में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने दोनों को नई संजीवनी दी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी संख्या में दलित वोट मिला है। इसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अब यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित समुदाय के बीच एक आउटरीच अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने न्यायिक जांच आयोग कमेटी के सदस्यों को अहम जानकारी दी, घटना स्थल पर आंखों देखा मंजर बयां किया, घटना स्थल से जुड़े वीडियोस भी टीम को उपलब्ध करवाए हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के कमरे में स्थानीय लोगों से टीम पूछताछ कर रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहां तक पहुंची? हमने प्रोसीजर, हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आके, सारे ऑफिसर्स के, जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी समय मदद मिलेगी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है।
इधर हाथरस घटना पर बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सोची समझी साजिश के तहत बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई है। भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहाँ लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए जो SIT जांच कर रही है, जो हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की निगरानी में जो कमीशन बना हुआ है, वो भी जांच का मजबूत पहलू है। और SP हाथरस उसमें जांच में कर रहे हैं, SIT जांच कर रही है, क्योंकि वाहनों से भागे हैं और वाहन आइडेंटिफिकेशन का पकड़ने का इधर भी टोल है, जब अलीगढ़ की तरफ से आते इधर के टोल और एटा की तरफ जाने वाले टोल, दोनों टोल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो लेते वीडियो CCTV फुटेज है, वो अभी तत्काल प्रभाव से उसको सीज कर दिया जाए। हाथरस हादसे को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने CM योगी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में हाथरस हादसे को लेकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई है, साथ ही दोषियों को सख्त सजा की भी मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में राहुल गांधी ने पीड़ितों से मिलने का जिक्र भी किया है। उधर गाजियाबाद में पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान के तकरीबन 2 साल बाद नूपुर शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी के पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बिना किसी का नाम लिए बगैर ही पलटवार कर दिया है। नूपुर शर्मा ने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कह दूं तो सिर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा, हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या फिर शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पर बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। करो तो वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं।